तो चलिए फिर 11th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 47 से, जो था हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। हमने पढ़ा था एक्सेसिव यूज ऑफ कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारण बेरोजगारी क्यों आती है। समझ में आया क्या? कॉजेस कल पढ़े थे अपन, याद है? पहला था जॉबलेस ग्रोथ, दूसरा था इंक्रीज इन लेबर फोर्स, तीसरा था एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सपेक्टेशन टुवर्ड एम्प्लॉयमेंट, और नेक्स्ट था सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे यू शुड नो दिया है, देखो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के परिणाम क्या होते हैं। बेरोजगारी आती तो है पर उससे क्या बिगड़ता है हमारा पता है? दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे को हम बोल सकते हैं सोशल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज, इन दोनों चीजों पे बुरा असर पड़ता है। अब ये कैसा असर होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे अर्थव्यवस्था पे या इकोनॉमी पे असर ये होता है कि एक तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी है उसकी काम करने की क्षमता है, वो काम कर सकता है अपने लिए अपने देश के लिए, पर वो काम कर नहीं पा रहा, ये बहुत बुरी बात है भाई, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा परिणाम होता है। दूसरा ये भी है ना कि जो कमा रहा है उसको खिलाना पड़ रहा है उन लोगों को जो कमा नहीं पा रहे, वो काम करना चाहता है पर वैसे काम ही नहीं है उसके लायक। फिर है डिफिकल्टी टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम। अब सरकार क्या है कि जो लोग पैसा नहीं कमा पाते या जो लोग बहुत पिछड़े है या अपंग है या काम नहीं कर सकते या गरीब है, ऐसे लोगों की भलाई के लिए स्कीम लाती है। लोग बेरोजगार रहेंगे तो ऐसे लोग बहुत बढ़ जाएंगे, अब कितने लोगों को खिलाएगी गवर्नमेंट घर पे बैठा के? चलो भाई 100 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है, बात समझ में आती है। 100 करोड़ में से अगर 25 करोड़ लोगों को खिलाना पड़े तो प्रॉब्लम तो बन जाएगी ना गवर्नमेंट के लिए, कैसे मैनेज करेंगे ये सब? पॉवर्टी बढ़ती है मतलब गरीबी बढ़ती है, ज्यादा देर तक बेरोजगार रहा इंसान तो वो गरीब होते चला जाता, और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम की इनइक्वालिटी? फिर जिसके पास काम है वो लगातार अमीर बनते चला जाता और जिसके पास काम नहीं वो लगातार गरीब बनते चला जाता, तो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है, अंतर है, ये बढ़ता चला जाता। हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट। पहला इकोनॉमिक इफेक्ट, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट होना, वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट या लागू करने में अड़चने आना सरकार को, गरीबी का बढ़ना और इनकम की इनइक्वालिटी का बढ़ना, और एक प्रॉब्लम है ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। एक देखो हमारे देश में दो प्रकार के सेक्टर पाए जाते हैं, एक है फॉर्मल, फॉर्मल मतलब वो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, हुंडई, एलजी, ये सब एक फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। इन लोगों के पास काफी धन है, संपत्ति है, थोड़े बहुत दिन खराब गए तो इनको फर्क नहीं पड़ता। एक इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे छोटे व्यापारी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, खेती करने वाले लोग, मजदूर, जॉब करने वाले लोग, इनका कोई सानी नहीं है। कुछ दिन ये ना कमाए पैसे तो इनके खाने पीने के वांदे हो जाते, इनकी ग्रोथ नहीं होती, ये लोग पीछे रह जाते। और हमारी देश के पॉपुलेशन में ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर 80% है। इतना बड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करेगा तो ये देश कभी ग्रो कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। और अगला एक प्रॉब्लम आता है हाई डिपेंडेंसी रेशो। अब जो कमा नहीं पा रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है, जो बंदा बेरोजगार है, वो उसको कोई ना कोई तो दो वक्त की रोटी, पहनने को कपड़े, गाड़ी में पेट्रोल और एक जियो 4G का रिचार्ज कोई तो करेगा उसके लिए, वो डिपेंड हो गया किसी ना किसी पे जो पैसे कमा रहा है। तो बताओ इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक समझ में आया क्या? आर्थिक तौर पे लोगों के बेरोजगार रहने से क्या परिणाम पड़ता है, ये एक बार बताने की जरूरत है। बताओ, बोलो, स्पीक अप, माइक ऑन करो, डिस्कस करो। समझा। चलो अच्छे, शाबाश। वैसे बहुत कठिन नहीं है ये सब चीजें। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते। अब आते हैं समाज पे क्या परिणाम पड़ता है। देखो लोग बेरोजगार रह जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है और किसी एक परिवार के लिए भी अच्छी बात नहीं है जिसके घर में कोई बेरोजगार बैठा हो।
इसके सामाजिक परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। सबसे पहला सोशल टेंशन और अनरेस्ट क्रिएट होता है। बेरोजगार इंसान क्या करेगा, एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डाका डालेगा, चोरी करेगा या फालतू काम ज्यादा करेगा वो, क्यों? क्योंकि उसके पास करने के लिए जॉब नहीं है, ये तो समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। दूसरा है लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। मुझे बताओ तो डिग्निटी का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, डिग्निटी इस शब्द को एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? आत्मसम्मान, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान, हर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ रहना पसंद करता है। कोई आपको सुना दे किसी दो पैसे के लिए तो आप बर्दाश्त नहीं करते, आपका दिमाग खराब हो जाता है, होता है कि नहीं? मैं बार बार आपको मैसेज करता हूं, मेरे ऑफिस से मैसेज आता है, फीस भरो फीस भरो फीस भरो, तो ये मैसेज पढ़ के बुरा लगता है कि नहीं आपको? यार क्या है सर, हर दूसरे दिन मैसेज कर देते हैं कि फीस भरो वरना पढ़ाई बंद, फीस भरो वरना पढ़ाई बंद, तो इंसान के डिग्निटी को ना ठेस पहुंचती है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। और जो इंसान एम्प्लॉयड है ना, वो 2 रुपए के लिए या 100 रुपए के लिए या 2000 के लिए या 10-20 हजार रुपए के लिए किसी की बातें सुनता नहीं है, वो तुरंत ऐसा पैसा मुंह के मार के फेंकता है। पर अगर लोग बेरोजगार रहेंगे तो उनका कोई आत्मसम्मान रहेगा ही नहीं ना, किस बात की ठसन करोगे बताओ? तो इंसान ठसन और घमंड किस चीज का करता है? पैसों का। पैसा कहां से आता है? काम रहेगा तो पैसा रहेगा, एक काम ही नहीं रहेगा तो किस चीज का घमंड और किस चीज का गर्व और किस चीज की डिग्निटी? सब गया तेल लेने। हेल्पलेसनेस, जो व्यक्ति बेरोजगार रहता समाज में, ऐसे व्यक्ति हेल्पलेस हो जाते हैं ना, वो किसी को मदद कर पाते, और एक समय ऐसा था उनकी भी कोई मदद नहीं करता। अरे भाई, घर बैठ के खाने वाले को कितने दिन तक खिलाएगा, खिलाने वाला भी? फर्क पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है। तो इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट समझ में आया क्या? 5 पॉइंट इकोनॉमिक इफेक्ट के, 3 पॉइंट सोशल इफेक्ट के। क्या आप इस चीज को कभी लिखने की जरूरत पड़े तो आप करोगे क्या? तो आपको बेरोजगार रहना अच्छा लगेगा भविष्य में कि आप अपने लिए जॉब ढूंढना चाहोगे? किस किस को बेरोजगार रहना है बताओ तो, कि नहीं सर एक बार ना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते कि बेरोजगारी क्या होती है, करना है किसी को? इच्छा है किसी की? नहीं सर, क्या क्या फर्क पड़ता है एक बार ऐसा किताबों में पढ़ने से, अच्छा एक बार ना महसूस ही करके देखते हैं बेरोजगारी को, है किसी की इच्छा? और रोजगार देखो भाई, आपको क्या लगता है बैठे बिठाए कोई फुकट का पगार देगा क्या? एक तो है कि आप जॉब करोगे तो आपको निचोड़ लेंगे, फिर बहुत बुरा लगता, जॉब करना इतना आसान नहीं है, बहुत सुनना पड़ता, प्रेशर रहता और परफॉर्मेंस देना पड़ता। आपको अगर कोई पैसा दे रहा है तो वो तो चाहेगा कि आपसे निकाले उतना पैसा। फिर आपको अगर दोपहर को खाने को 1.5 घंटे की छुट्टी चाहिए, घूमने के लिए छुट्टी चाहिए, एक आधा संडे काम करना पड़ा तो दिमाग खराब होता, ये सब नहीं चलता बेटा जॉब में। काम एक बार आ गया, इंसान पे जिम्मेदारी एक बार आ गई, तो फिर काम एक काम, काम दुनी काम, काम त्रिक काम, वर्क वर्क वन जा वन, वर्क टू जा वर्क, वर्क टू जा वर्क, काम मतलब काम करना पड़ता। तो आप में से कितने लोग ऐसे जो बहुत डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से और मेहनत से काम करना चाहते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि मैं गधे के जैसा काम ही किए जा रहा हूं? है मानसिकता आपकी बहुत मेहनत करने की? अरे आप लोगों में से कितने लोगों की मेंटेलिटी है जम के काम करने की, बहुत मेहनत करने की? इज एनीवन अवेलेबल? नहीं, पैसा मिले या ना मिले ये बात अलग है। देखो, पैसा मिलता है इसलिए लोग काम नहीं करते, काम करते हैं इसलिए पैसा मिलता है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, शुरुआत में कम ही मिलेगा, चाहे कितने भी क्वालिफाइड हो, कितने भी होशियार हो। अनुभव जब तक नहीं आता और लोगों का आप पर विश्वास जब तक नहीं बैठता, तब तक तो आपको कम पैसे में ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है सीए बन के भी 20,000-25,000 रुपये महीने में काम करना पड़े, शुरुआत के 5-6 महीने या 1 साल, ये भी पॉसिबल है, करना पड़ सकता है। अब सीए पास कर लिया तो किसी को लगेगा इसने एग्जाम ही पास की है, इसको काम नहीं आते, तो थोड़ी ना आपको पैसे मिलेंगे। काम करने की, मेहनत करने की तैयारी किसकी है ये बताओ मुझे। सर जम के काम करेंगे, हमको आलस नहीं है। कुमकुम बोल रही है कितनी भी मेहनत करनी पड़े कुमकुम, दिन रात तो थकान नहीं होनी चाहिए, चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए, है तैयार आप लोग इस सब चीज के लिए? हाँ,
ये तो है, काम बिना किए पगार नहीं आती भाई, एकदम मैं तो बोलता हूँ एकदम पेट के आतड़े तक सूख जाते, इतना काम करना पड़ता तब जाके पगार और सैलरी अच्छी मिलती। या जॉब करो या बिजनेस करो, जो भी करो मेहनत तो जम के करनी पड़ेगी, आलस करोगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत त्याग करने पड़ते। आप तैयार हो क्या मेंटली इस चीज के लिए? कोई आपको सुनाए, टारगेट दे, रोज सुबह बोले कि इतना काम होना मेरे को शाम तक, और शाम को नहीं किया तो ऐसा तैसा उल्टा पुल्टा करके आपको झांप दे, बर्दाश्त कर पाओगे क्या बताओ? करना तो पड़ेगा, ये बात तो, या तो परफॉर्म करो या तो गालियां खाओ, यही उसूल है दुनिया का, दुनिया का एक सीधा उसूल है, काम दिखा नहीं तो घर पे बैठ। तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। अपने यहाँ का जो यूथ है खासतौर पे बॉम्बे में, लोग इस चीज को समझते हैं, वहां वर्क कल्चर बहुत मायने रखता है, वहां लोगों को ये पता है काम नहीं करेंगे तो लात मार के कभी भी भगा सकते हैं। अपने यहाँ पे कैसा है, अपुन भाऊ किसी की सुनते नहीं, किसी ने बोल दिया तो अपने को जमता नहीं, ऐसी मेंटेलिटी है लोगों की, इसलिए ना काम करते मेहनत करते ना पैसे कमाते। तो आप कभी ये मेंटेलिटी मत रखना, डांट खानी पड़ेगी, जॉब करोगे तो प्रेशर में रहना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट देना पड़ेगा, तो जॉब में मजा आए। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, यू शुड नो, आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जनरल मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली हर सरकार ये काम करती है, हर सरकार ये काम करती है, हर देश की सरकार ये काम करती है, ये करना ही पड़ता। सरकारों ने ये काम नहीं किए तो सरकार का सरकार होके क्या मतलब? मोदी जी प्रधानमंत्री है या मनमोहन सिंह बनेंगे, कल अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कोई भी बने, उनको ये काम करने पड़ेंगे 1 से लेकर 10 तक, और ये हर सरकार करती है। पहला करती है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो काम करने चाहिए वो करते रहिए, ताकि कृषि क्षेत्र विकसित होगा तो ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, उनको काम मिलेगा, उनकी बेरोजगारी दूर होगी, उनकी गरीबी दूर होगी, उनकी प्रॉब्लम दूर होगी, उनका भला होगा, देश का भी भला होगा। दूसरा आपको करना पड़ता है प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। लोग एक ही काम करना जानते हैं तो आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा कि भैया दुनिया में कई सारे काम करने जैसे है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ तो भी काम कर ले पर बेरोजगार मत रहे। तो ऐसे अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन को निर्माण करना, उसके लिए कायदे बनाना, कानून बनाना, और ऐसा वातावरण बनाना कि लोगों को ज्यादा काम मिले, ये काम सरकार को करने पड़ते। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं अच्छे अच्छे हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, बिजली, कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, 4G 5G, अच्छे अच्छे बांध मतलब धरन मतलब डैम, इरीगेशन फैसिलिटी। ये जिस देश में ज्यादा अच्छा रहेगा, जिस राज्य में अच्छा रहेगा, जिस जिले में अच्छा रहेगा, वहां बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगा। तो सरकार हमेशा इन सब चीजों पे काफी ध्यान देती है, और ये काम करते रहने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं क्योंकि बिजनेस बढ़ता। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, जो शिक्षण व्यवस्था है इसको बार बार समय के अनुसार और जरूरत के अनुसार बदलते रहने की जरूरत है। वही वही किताबें, वही वही थ्योरम 5th स्टैंडर्ड से तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होने तक इंसान पढ़ रहा है, उसका उसको एक काड़ी का फायदा नहीं है जिससे वो 2 पैसे कमा सके या किसी को 2 पैसे कमा कर दे सके, ऐसा एजुकेशन किसी काम का नहीं। और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बकवास एजुकेशन सिस्टम। सिलेबस बकवास है, इसके कंटेंट बकवास है, एग्जाम लेने के तरीके बकवास है, इस पढ़ाई को पूरा करके बाहर निकलने वाला हर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बकवास है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए तो, जैसे IIT से बना हुआ इंजीनियर, डॉक्टर, IIM से निकला हुआ MBA या CA या CS या CWA, ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेस है जिसको कुछ वैल्यू है, जिसकी एजुकेशन का कुछ महत्व है। बाकी जितने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है सब रद्दी प्रोग्राम्स है, सड़े गले इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई मतलब नहीं रहा। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म होते रहना चाहिए, जहां पे भी मौका मिले सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, वहां विकास करना चाहिए। टूरिज्म भी एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है, इस फील्ड में भी कई लोगों को काम मिलता है। यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ऐसे देश में जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे देश में ऐसे कामों को ज्यादा प्रेरित करना चाहिए जहां लेबर का उपयोग ज्यादा हो तो लोगों को काम मिलेगा।
डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ही पार्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मतलब 4G 5G नेटवर्क को डेवलप करना, इससे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है क्योंकि अच्छी फैसिलिटी रहने से अच्छा व्यापार और बिजनेस बढ़ता है। प्रोविजन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम से इसको लिंक कर सकते हो। एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जहां लोगों को प्रैक्टिकल काम करने का अनुभव मिले। किताबों में ये बताना कि रॉकेट कैसा बनाया जाता है और फ्रिज कैसे बनता है, उससे अच्छा फ्रिज बनाने के लिए स्टूडेंट को बोलना चाहिए रॉकेट बना के दिखा ऐसा बोलना चाहिए, ट्रेन बना के दिखा और क्रेन बना के दिखा ऐसा बोलना चाहिए। लेबोरेटरी बेस्ड, प्रोडक्शन बेस्ड और स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम दे के बैलेंस शीट बनाओ 10 मार्क के लिए, ये एजुकेशन नहीं होता। आपको ये पढ़ाना चाहिए कि भाई चलो एक बिजनेस है, मेन लाइन में एक्स नाम के व्यक्ति की दुकान है, 15 दिन का आपका असाइनमेंट है, उसके दुकान पे बैठो, उसके हिसाब को समझो और उसका बैलेंस शीट फाइनल करके आओ, उसको क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है देखो, तो आपके एजुकेशन को आगे चल के महत्व रहेगा। नहीं तो किताबों में कितनी भी बैलेंस शीट बना लो, रियल लाइफ में काम करने के लायक नहीं रहोगे। है क्या ऐसा फैसिलिटी कॉमर्स स्टूडेंट को? देते ही नहीं है, ऐसा एजुकेशन का पैटर्न ही नहीं है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए, शहरों में पहले ही भीड़ है, पहले ही फैक्ट्रियां बहुत है, जो पीछे रह गए वो है खेड़े, खेड़ों में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो कोशिश करनी चाहिए नए फैक्ट्रियों के लिए जगह, पानी, बिजली, ये सब सुविधाएं रूरल एरिया में प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वहां का विकास हो सके। अगला है मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को कुछ ऐसा बनाओ कि लोग खुद का काम कर सके। अरे भाई नहीं कुछ तो झूमर बना लो जो दिवाली में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट की सीरीज ही बना लो अपने घर में, नहीं कुछ तो क्रॉकरी का छोटा सा पैकिंग का और एम्ब्रॉयडरी का काम डाल लो, नहीं कुछ तो इलेक्ट्रिक की बटन ही बना लो घर में, नहीं कुछ तो छोटी सी पेन पेंसिल का कारखाना ही डाल दो, नहीं कुछ बना सकते तो कपड़े डिजाइन करने का फैक्ट्री डाल दो, और नहीं कुछ कर सकते तो फ्रिज खरीदते और बेचते क्या हो, फ्रिज बनाने की फैक्ट्री लगा दो। फर्नीचर खरीदना और बेचने से अच्छा है फर्नीचर बनाने का कारखाना लगाओ, ये है ही नहीं अपने इधर। चाइना में सब ऐसा ही काम है, लोग ये सोचते ही नहीं कि मैं दुकान लगाऊंगा और बेचूंगा, लोग सोचते हैं मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और बनाऊंगा। कुछ भी बनाते हो, कैलकुलेटर की फैक्ट्री, पेन की फैक्ट्री, मोबाइल की फैक्ट्री, मोबाइल के कवर की फैक्ट्री, केस की फैक्ट्री, स्क्रीन गार्ड की फैक्ट्री, हेडफोन की फैक्ट्री, दिवाली के सीरीज की फैक्ट्री, कहाँ है लोगों के अंदर अपने देश में मोटिवेशन ही नहीं है। लोगों को यहाँ सिर्फ दुकान डालनी है, बनाना किसी को नहीं है, बेचना है। अरे कुछ दिनों बाद दुकानें आपकी चलेगी नहीं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन बिकेगा, फिर क्या करोगे, हर किसी का धंधा मार खा रहा है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो बनाना सीखो, बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने यहाँ पे लोगों की मेंटेलिटी दुकान लगाने की है, कोई फैक्ट्री लगाने की बात ही नहीं करता, इसलिए पीछे रह गया अपना देश और चाइना आगे बढ़ गया। तो ये 10 चीजें जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन की, क्या इसको फिर से बताने की जरूरत है या बात भेजे में गई? शाबाश, बाकी लोगों को? ओ धनवीन सेठ हो क्या उधर? चमेड़िया जी, ओ दी तो बोलो ना, ऐसा समझा समझा तो बोला करो। ए कृष्णा, एक आधी फैक्ट्री लगा तू बहुत बड़ी, कुछ तो भी कर अच्छा, ताकि हम बोले कि हमारे बैच में एक लड़का था 11th पे, आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। किसको किसको बिजनेसमैन बनना है तुम लोगों में से, ऐसा बड़ा बिजनेसमैन? कृष्णा को बिजनेसमैन बनना है, और बाकी किसकी इच्छा है बिजनेसमैन बनने की? नौकरी वोकरी नहीं करनी हमें, बिजनेस करेंगे हम, ऐसा कौन सोचता है? यर्ष को लगता है बिजनेस करूं, केवल को लगता है बिजनेस करूं। अच्छा बिजनेस क्या, दुकानदार बनना है कि प्रोड्यूसर बनना है? प्रियांशी को हाँ, देखो एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी में बड़ा व्यापार करना है ना तो ये छोटी सोच नहीं रखने की, दुकान लगाने की मेंटेलिटी से एक लिमिटेड जीवन ही जीता है इंसान। बनना है ना, व्यापार करना है तो प्रोडक्शन करो, चीजों में यूटिलिटी क्रिएट करो, नई चीज बनाओ और मैन्युफैक्चरर बनो चीजों के, तो दुनिया आपको वैल्यू देगी। दुकानों का कोई भविष्य नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा ना डीमार्ट और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर छोटी मोटी दुकान को बंद करके रहेंगे, लोगों को सस्ता मिलेगा, होम डिलीवरी मिलेगी, और अभी तो यवतमाल जैसे सिटी में डिलीवरी को 7 दिन या 5 दिन लगते हैं। एक समय ऐसा आएगा अभी ऑर्डर करो 2 घंटे में चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी। तो आने वाले समय में दुकानदार को
या सिर्फ जो दुकान लगा के बेच रहा है उसको कोई वैल्यू रहने नहीं वाली है, वैल्यू उसको रहेगी जो बनाना जानता है। तो अभी से चुनो, अगर व्यापार करना है तो ये मत सोचना मैं दुकान लगा के बैठूंगा, गिराई का आएगा और मेरा माल बिकेगा और मैं पैसे कमाऊंगा। आजकल वो जमाना गया, जो दुकान लगा के बैठे उनको पूछो, दुकानें चलती नहीं आजकल। आजकल पैसा वो कमाता जो चीजें बना सकता, तो बनाओ, क्रिएट समथिंग, कुछ ऐसी चीज बनाने का हुनर सीखो जो आपके सिवा किसी को नहीं आता, तो आप बनोगे बड़े इंसान। आज तक कोई करोड़पति देखा है क्या जो दुकानदारी करके करोड़पति हो गया? बड़ा नाम सुना है टाटा बिरला अंबानी, अगर ये लोग दुकान लगाते तो कभी टाटा बिरला अंबानी बन पाते क्या? प्रोड्यूस समथिंग, आइदर प्रोड्यूस गुड्स और प्रोड्यूस सर्विसेस। सर्विस कौन प्रोड्यूस कर सकता है? मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलो मैं टीचर हूँ, पढ़ा लेता हूँ, सीए हूँ, सीए के काम करता हूँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर सर्विस प्रोड्यूस करता है। अगर नहीं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ऐसी कोई सर्विस प्रोड्यूस कर नहीं सकते अपन, तो गुड्स प्रोड्यूस करो। सर्विस प्रोड्यूस करने में पैसा कैपिटल कम लगता है। अब मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूँ तो अपने पास पैसा नहीं था धंधे में बहुत ज्यादा लगाने के लिए, तो हमने चुना कि हम ये बन जाते, टीचर बन जाते, पढ़ाते, इसमें ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत लैपटॉप डेस्क बेंच भाड़ा लाइट पंखे लगा लिया तो कोचिंग क्लास चालू हो जाती हो। बड़ी फैक्ट्री डालने के लिए बड़ा पैसा रहता, मेरे पास होता तो मैं जरूर डालता, पर अपने पास है नहीं। आगे आते अपन, अब ये थे जनरल मेजर्स। जनरल मतलब ये तो हर सरकार करती है, सभी के लिए करती है, गरीबी को और बेरोजगारी को मिटाने के लिए। अब अगला टॉपिक है स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए हमारे सरकार ने कुछ स्पेशल कदम, मेजर मतलब उपाय, कुछ खास काम किए हैं। उसमें से पहली स्कीम है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, गारंटी मतलब गारंटी, स्कीम मतलब योजना। इसको हमारे आसान भाषा में बोला जाता है रोजगार हमी योजना। मराठी में हमी का मतलब होता है गारंटी, हमी दिली नी कुणाला। तो क्या है ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 20th March 1972। This scheme was intended to provide productive unemployment. ए भाई, employment मतलब क्या रे? किसी को ऐसा काम दो कि उससे कुछ production हो सके, उसको बोलते productive unemployment। मतलब factory में लगा लो तो car बनाएगा, कपड़े की factory में लगा दो कपड़ा बनाएगा। To the rural population and thereby solve the problem of rural unemployment and poverty. Under this scheme, government assures to provide minimum employment opportunity due to its success in Maharashtra. एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट्स एज वेल। तो पहले महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला, अगर आपको काम नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब नहीं है, तो सरकार आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देगी। फिर सरकार ने क्या किया मालूम है क्या, इस स्कीम के अंदर जैसे एक विलेज है, उस विलेज के पास से हाईवे बन रहा था, तो सरकार ने क्या बोला, इस विलेज में जितने भी बेरोजगार लोग हैं चलो आ जाओ, इस हाईवे को बनाने में मदद करो या मजदूरी करो, आपको पैसा देंगे। फिर क्या था, उस विलेज के बाजू से एक नदी जा रही थी, तो सरकार ने बोला चलो यहाँ पे धरन बनाते, बांध बनाते, डैम बनाते। तो विलेज के लोगों को बोला चलो चलो आ जाओ, तुम ही लोग मेहनत करो, डैम बनाओ, प्रोडक्शन भी हो रहा है रोड का, डैम का, और साथ ही साथ आपको पैसे भी देंगी सरकार। तो धीरे धीरे गांव की बेरोजगारी दूर होना चालू हो गई। तो ये देख के बाकी स्टेट को ऐसा लगा कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम अपनों को भी लानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर लोगों को लगने लगा कि सरकार मस्त काम देती है, पैसा भी देती है। सरकार को भी लगा कि चलो लोगों को अपनी पैसे दे रहे, अपनी काम कर रहे तो अच्छा हुआ। फिर उसके बाद आया एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो रोजगार और स्वरोजगार में फर्क है। रोजगार का मतलब होता है जॉब, जहां आप किसी और के लिए काम करते हो। स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे खुद की आटे की चक्की लगा ली, खुद की अपना ये जो ये होता ना मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, इसकी चक्की रहती है, ये खुद की चक्की लगा ली, खुद का वर्कशॉप खोल लिया टू व्हीलर को रिपेयर करने का, खुद की जेरोक्स की दुकान लगा ली, खुद की किराना दुकान लगा ली, या खुद का एक टेलीफोन सेंटर इंटरनेट कैफे खोल लिया, ये सब स्वरोजगार है। स्वरोजगार मतलब खुद ही बिजनेस करके खुद को जॉब देना। तो रोजगार और स्वरोजगार, इसका फर्क समझ में आया क्या आपको? अरे हाउ की नहीं, हाँ।
तो एक था रोजगार देने का योजना, इसमें आपसे काम करवाया जाता था, बदले में आपको पैसे मिलते थे और गारंटी मिलती थी कि इतना काम देंगे आपको और इतने पैसे देंगे। फिर काम नहीं रहा तो फोकट में भी पैसा देना चालू कर दिया बाद में सरकार ने कि जाने दो यार काम ही नहीं है, रोड नहीं बनाना, रास्ता नहीं बनाना। अब क्या ये दो घर बैठे पैसे आते हैं, ये आज भी आते हैं, ये फेल्यूर है इस स्कीम का। फिर एक स्वरोजगार योजना आई जिसको जिसका ये देखो अब इसमें क्या याद करना होता है आपको, इसकी डेट याद करनी होती है कब लाई थी ये योजना, इसका नाम याद करना होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म याद करना होता है। इसपे क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ पूछा जाता है कि इसका मकसद क्या था। तो इसका मकसद जो था ना इसको हाईलाइट करो, प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम EGS था ये 28 मार्च 72 को लाई थी और इसका पर्पस था प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट शहर के लोगों को, कि रूरल पॉपुलेशन को, रूरल को। फिर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन ट्रू और फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, ये रूरल पॉपुलेशन के लिए। फिर ऐसा सवाल पूछेंगे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन, फॉल्स है फॉल्स, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं लाया था, ये लाया था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये कीवर्ड जो हाईलाइट किए इसको ध्यान में रखो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, फिर इधर उधर कर देते हो। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ये स्कीम का स्पेलिंग बदल देंगे या सोच लिख देंगे, फिर चार पांच ऑप्शन देंगे आपको सही नाम चुनना है। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म है SGSY। क्या लिखा है इसके अंदर, इसमें लिखा है दिस वाज लॉन्च इन अप्रैल 1999 आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक जमाने में 1999 से पहले सरकार की एक योजना चलती थी जिसका नाम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको फिर क्या कर दिया, रिस्ट्रक्चर किया, ये स्कीम बंद कर दी और स्कीम का नाम बदल के कर दिया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड अलाइड स्कीम। अलाइड मतलब और छोटी मोटी स्कीम थी। इट इज द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रूरल पुअर इन इंडिया। ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं थी, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी। अब किताबों में ज्यादा लिखा नहीं है, मैं आपको बताता क्या होता है। तो अगर आप रूरल एरिया में रहते हो और आप बेरोजगार हो, है ना, और आप चाहते हो कि नौकरी तो नहीं करनी मुझे, छोटा मोटा खुद का काम करता हूँ, तो आपने सोचा कि चलो भाई मैं ना चक्की लगा लेता हूँ, आटा पीसने की चक्की। अब आपने पता किया कि आटा पीसने की चक्की जो है ना वो आती है 60,000 रुपए की, उसके लिए शेड बनाना पड़ता है, उसको 40,000 खर्चा आता, तो मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए रहेगा। तो आपको क्या बोला सरकार ने कि जाइए आपके गांव में कोई बैंक होगा तो वहां ग्राम पंचायत या आपकी जिला परिषद, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म का नाम है SGSY का फॉर्म, वो फॉर्म भर दीजिए, अपना प्रपोजल लिख दीजिए कि आपको क्या धंधा करना है, किस चीज के लिए पैसे चाहिए, सरकार आपको आर्थिक मदद करेगी लोन के स्वरूप में। फिर आप धीरे धीरे अपना बिजनेस डालिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए और थोड़ा थोड़ा अपना लोन फेड़िए। इस तरह से खेड़ों में रहने वाले कई लोगों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत आर्थिक मदद की गई। फिर लोगों को लगा कि भाई क्या करें, तो सरकार ने क्या किया, जिला परिषद में 500 आटा पीसने की मशीनें लेके आ गए। तो तंत्र सब्जेक्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस, एमकॉम फोर्थ सेम था, त्याची एक नोट्स काढून घेतो, फाइनेंस मैनेज। तो ये योजना कैसे काम करती थी, फिर नगर परिषद में या जिला परिषद में 500 आटा पीसने की मशीन लेके आ गए, 300 जेरोक्स मशीन लेके आ गए, और सरकार ने सब विलेज के लोगों को बोला अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो एक फॉर्म भर दीजिए। वैसे आटा पीसने की मशीन वैसे 60,000 रुपए की है, पर आपको सिर्फ 5,000 रुपए भरने हैं, तो आपको 60,000 की मशीन हम दे देंगे, जाओ अपने घर पे लेके जाओ और अपना खुद का जॉब चालू करो। फिर टैक्सी चलाना तो टैक्सी खरीदने के लिए लोन दिया या सरकार ने खरीदवा दी, और इस तरह से लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई। अब समझ में आया क्या ये क्या था। ये शहरों में रहने वाले लोगों के लिए था कि खेड़ों में रहने वाले लोगों के लिए था, गांव गांव। तो अपना अपना गांव गांव है कि नहीं है, अपना गांव भी एक गांव है और अपन यहाँ के गरीब। चलो अगला, फिर एक योजना और आई जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब वो गांव के लिए थी, उसका नाम क्या था,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार है कि स्वयं रोजगार है ये? अरे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार है कि स्वयं रोजगार है? रोजगार। तो इसमें खुद के लिए काम देंगे कि जॉब देंगे? नहीं ऐसा नहीं था, ये दिया था ये इसमें इसका पर्पस भले यहाँ रोजगार लिखा था पर यहाँ पे काम खुद के लिए था। देखो क्या लिखा है, दिस इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, SGSRY शहरी रोजगार योजना, और वो था ग्राम स्वरोजगार योजना। दोनों में फर्क है, दोनों के लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में फर्क है। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन डिसम्बर 1997 टू प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा काम आपको मिलना चाहिए जिससे आप कुछ पैसा गेन कर सको। मतलब ये खुद के बिजनेस के लिए आपको फंडिंग, पैसा, सामान या मशीनरी देने की स्कीम थी, और साथ ही साथ इसमें जॉब की भी फैसिलिटी थी। इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद के लिए अगर आपको काम करना है तो आपको सरकार से मदद मिलती थी, आपको फॉर्म भरना था और जो भी साधन अवेलेबल थे सरकार के पास उसके तहत आपके लिए मदद मुहैया कराती थी सरकार। वुमन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम था, अगर घर पे बैठ के पापड़ अगरबत्ती अचार बना के बेचना चाहते हो, वुलन के कपड़े, तो फिर आपको आर्थिक मदद सरकार देती थी या साधन और सामान सरकार प्रोवाइड करती थी। अगर आप सिलाई करना चाहते हो तो आपके लिए सिलाई मशीन सरकारी ऑफिस में अवेलेबल थी, बस फॉर्म भर दो, बोल दो कि मैं महिला हूँ, मेरे को सिलाई करना है, थोड़े से पैसे कमाने, तो आपको फ्री में सिलाई मशीन मिलती थी, फिर आप अपना चालू करो टेलरिंग का बिजनेस और कुछ पैसे कमाओ। फिर स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, फिर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। हम 5 मिनट दबाओ, उसमें स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता था एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी था, इसमें वेज भी मिलते थे आपको कुछ दूसरों लोगों के लिए काम करो। फॉर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट 75% ऑफ कॉस्ट शेयर करता था और स्टेट गवर्नमेंट 25%। जैसे कि यवतमाल जिले में 3000 वुमन को सिलाई मशीन देने का फैसला किया गया, कौन सी योजना के तहत, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत। एक सिलाई मशीन 1000 रुपए की है, तो 1000 10000 110000। अब इस स्कीम को पूरा करने के लिए यवतमाल शहर में 1000000 की जरूरत है, तो 1000000 में से 750000 रुपए का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, 250000 का खर्चा महाराष्ट्र गवर्नमेंट करती थी, 1000 सिलाई मशीन खरीदी गई और 1000 लेडीज को दे दी गई ताकि महिलाओं को, वैसे ही बाकी लोगों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। पर अगर आप शहरों में रहते हो तो ये योजना सरकार ने लाई और इस तहत लोगों को स्वरोजगार या रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफी कुछ काम किया गया और इस योजना के तहत कई लोगों के घर बस गए, उनकी बेरोजगारी दूर हो गई। तो आज के लिए अपन 3 स्पेसिफिक मेजर्स पे ही रुक जाते हैं। पहला स्पेसिफिक मेजर था एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम EGS, दूसरा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, और तीसरा था, सॉरी छूट गया, दूसरा कौन सा था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसके बाद भी कई सारी योजनाएं हैं, 9, 10, 11, 12 काफी सारी योजनाएं हैं, बस वहां पे ये योजनाओं के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता। और इस योजनाओं को कैसे, किताबों से मैं 2 चीजें आपको ज्यादा ही बताऊंगा जिससे आपका ज्ञान भी बढ़े, नॉलेज भी बढ़े। एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है हम एक्सरसाइज लेंगे। तो आज ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ पर कल 100% ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और परसों से हम अकाउंट स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का सेकंड यूनिट जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये लेक्चर सिर्फ उसी के लिए रहेगा जिसकी 11th की फीस कंप्लीट है और जिसने 12th का 50% एडवांस भर दिया है, अदरवाइज आपका वहीं पे एक सफर खत्म हो जाएगा दिनेश वडेरा प्रोफेशनल एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।